नमस्कार नुआ सकाळ रे सबु चासी भाई भौणी मानुको अन्नदातार एक नुआ अध्याय को स्वागत करूछि मु गायत्री। फुलकोबी एक शीत दुनिया परिवा समतल अंचल रे एहा चास करा जाय किंतु उच्च पहाड़िया अंचल रे वर्ष सारा फुलकोबी चास करा जाय पारिबो। साधारणत कोबी चास वर्ष सारा होई पारिबो। के समय कोबी चास करी चासी भाई माने अधिक उत्पादन करबा सह सेमांतक आर्थिक अभिवृद्धि मध्य घटाई पारिबे। जलवायु अनुसार फुलकोबी किसम तीन भाग विभक्त करा जाय अछि सरल किसम विलंब किसम और मध्यम किसम। तेणु चाषी भाई माने कृषि वैज्ञानिक परामर्श नहीं फुलकोबी चाष कर अधिक अमल पाइबा सह अधिक लाभवान हो पारे। तेबे आज आसंतु जानिबा फुलकोबीर चारा प्रस्तुति और लगाइबा प्रणाली। फुलकोबी एमती गोटे गछ जहा अनुसार अभाव देखा जाए मॉलिब्डेनम डेफिसीयसी देखा जाए बोरन डेफिसीयसी देखा जाए जिंक डेफिसीयसी देखा जाए यही सब डेफिसीयसी को आपण पूरण करने आपण कि ना जमीरे अनुसार किसी आप्लाय करेंगे बोरन अनुसार देवे जदि आप मिश्रित अनुसार देवे तारे गोटे लिटर पानी मिश्रित अनुसार तीन ग्राम मिसेकी आपण सिंचन करें। आ गोटे कथा मन रखिए फुलकोबी गछ बढ़िबा समय रे जदि आपण गोटे लिटर पानी रे 10 ग्राम यूरिया मिसेक स्प्रे करिवे ताहाले गछ वृद्धि भल होइथाय एवं अमल मध्य भल होइथाय। एई द्रवण को आपण 15 दिन को थरे अप्लाई करि परिबा बा स्प्रे करि परिबे। ये तो गला आमर सार कथा जे जलसेचन किपरि भाबरे करिवे। जेतेबेले सियार रे आपण जलसेचन करिवे मन रखंतु सियार रो अधभाग आपण पानी मड़ेकी ओदा करिवे आउ जो अधभाग रहिला तहार अधभाग आपणकर कैपिलरी राइज रे बा जल सोक करिकरी ओदा हेथाय एवं आउ जो 1/4 भाग रहिला सेटा आपणकर सुखिला रहिथाय। गछ मूल सुखिला रहिबा द्वारा विभिन्न प्रकार कबक जनित रोगरु आपण आपणक गछ को रक्षा करि पारिबे। वर्तमान आसीबा देखिबा जे आमे किपरि भाबरे जो अनामना घास अछि बा तृण अछि ताकु केमती नियंत्रण करिबा। गोटे कथा मन रखिबे जेतेबेले शेष ओड़ चाष करिबे एवं जमी को भल भाव प्रस्तुत करदे से ऑक्सीफ्लोरोपेन नाम गोटे मिलूँ आमर हर्बिसाइड ताकु गोटे लिटर पानी रे गोटे ML मिसेक भल भाव स्प्रे कर दिंतु। स्प्रे कर सारापर दुई दिन छाड़देवे आपण को चारा गछ आपण लगेबे जदि एपरि भाव करेंगे गछ किछि न हलेबे 45-60 दिन पर्यंत आपण गछ घास दाउरु रक्षा करिपारिबे। तापर जो गोटे जोड़िए घास उठिबो ताहा मानुअली आपण ताकु उपाड़ी दे पारिबे। कि प्रकार रोग पोक लागुचंदी आमर फुलकोबी फसल रे साधारणत रोग लागे जोटा कि मूल पचा कांड पचा रोग सेटा आमर बैक्टेरिया जनित हो पारे फंगाल जनित मध्य हो पारे। तेणु आमे कौन करिबा ड्रम गोटे ड्रम पानी नहीं जीवा गोटे ड्रम पानी रे रिडोमिल MZ 38-40 ग्राम पकेबा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आमे 2.5 ग्राम ताधरे पकेबा 2.5 ग्राम पके कि दीटा को मिसे कि मूल को देखि भल भाव स्प्रे करिबा। एहा करिबा द्वारा आमे फंगाल एवं बैक्टेरिया दाउरु आम गछ को रक्षा करि पारिबा। द्वितीय कथा हला आमर पोक को देखिबा पोक हूँ गोटे पत्र कटा पोक देखा जाए जोटा कि संबाळ जातीय आउ अन्यान्य कीट मध्य देखा जाए से कीट दाउरु रक्षा करिया पाई आमे गोटे लिटर पानी रे प्रोफेनोफस 2 ग्राम मिसेके ताकु स्प्रे करि परिबा कले मध्य विभिन्न प्रकार पोक दाउरु आमे आम गछ को रक्षा करि परिबा। वर्तमान देखिबा जे किपरि भाबरे ताकु अमल करिबा फुलकोबी गछ जेतेबेले आर्ली गछ बा जोटा सहल किसम आमे ताकु 60-75 दिन अमल करिबा एवं मध्यम किसम को आमे 75-90 दिन रे एवं विलंब किसम को 90 दिन रो अधिक दिन रे अमल करिबा। बर्तमान अमल को आसीबा जेतेबेले अमल करिबे साधारणत देखा जाय छि जे सहल किसम एकर प्रति आमे किछि न हले भी 40-50 क्विंटल पर्यंत अमल करि परिबा। आमे देखिबा जे एते कम हेले आमे काले लाभ पाई परिबा नाही ना लाभ पाई परिबे आपण काहे कि ना सेतेबेले फुलकोबीर दाम बहुत अधिक थाए किछि न हले गोटे फुलकोबी 50 टंका 60 टंका 70 टंका रे आमे बजार रे सेटा अवेलेबल हे थाए। तेणु निश्चित भाव रे सहल किसम कले आपण लाभवान हे परिबे। मध्यम विलंब किसम गुड़िक एकर पिछा आमे प्राय 80-100 क्विंटल पर्यंत आमे अमल पाई परिबा। जदि वैज्ञानिक उपाय करिबा ठीक भावरे अनुसार पकेबा हाड़गुंड पकेबा आउ ठीक भावरे सार दबा निश्चित भावरे आमर अमल अधिक रहिबो। सहल किसम रे आमे कहिछि प्रथमरु जे 40-50 क्विंटल पाइबा एवं मध्यम विलंब किसम रे आमे 80-100 क्विंटल पाइबा। बर्तमान लाभ क्षति हिसाब करिबा जे जदि आमे फुलकोबी चाष करिबा ताहाले एकर रे प्राय 20-30 हजार टंका खर्च होइथाय एवं ए खर्च को बाद दे जणे चासी ए परिप्रेक्षी रे निहाती भाव रे
60,000-70,000 एपरिक 80,000 टंका पर्यंत लाभ पाइपर। कृषि विज्ञान केन्द्र आमर जो जिते सब उद्देश्य मैंने सब अच्छी से गोटे है आम विभिन्न प्रकार ज्ञानकौशल चाषी मान को बहुत प्रकार पंथा अच्छी चाष कर रोजगार करार कि आम विभिन्न प्रकार चाष भितर आम छतु चाष को आम गोटे भल लाभजनक व्यवसाय बोली बुझी था कहीं आम छतु चाष करवा किपर यह हूँ लाभजनक हो पार आर प्रणाली कौन ता विषय टी जाना दरकार जगार बहुत संस्था अच्छी कृषि विज्ञान केन्द्र है आमर लाइन डिपार्टमेंट है विभिन्न प्रकार एनजीओ है कॉलेज है बहुत प्रकार संस्था अच्छी जो आम मैंने छतु चाष किपर कराऊ शिखी था कि आम कृषि विज्ञान केन्द्र संबलपुर आम वर्ष सारा छतु चाषर ट्रेनिंग दे था छतु गोटे कौन प्रथम छतु गोटे आम कौन बोली जानवा दरकार भाषा कहले छतु गोटे आम फिंपी बोली बुझी था फिंपी कौन ना देखिए आपण मैंने कौन सी खाद्य पदार्थ किंबा फल पनीपरिया जहाँ भी हो बहुत दिन रखला ताऊपर देखिए आपण मैंने फिंपी धला धला रुआ बागी माड़ जाटा को आम फिंपी बोली बुझे था सी गोटे प्रकार फिंपी सेमती छतु मध्य आ गोटे प्रकार फिंपी जोटा हूँ आम खाद्य रूप से व्यवहार कर फिंपी की केमी आम चाष कर से प्रोसेसटा को आम छतु चाष बोली कही था ताकु प्रथमे आम लैबोरेटरी रे तार मंजी आग उत्पादन करू तापर आम आणिक पाल उपर छाड़े से छतुआ करे फुटी थाए आम खाई था आम तो केमी मंजी तैयारी होता विषय आम जबार ना आम केमी प्रथम छतु चाष करवा जाणी दरकार आम छतु चाष विषय तो प्रथम जाणी पूर्व आम छतुटा गोटे कौन जानले फिंपी बोली किंबा से गोटे कहीं खाद्य उपयोगी बोली आम व्यवहार करता जाना दरकार आम साधारणतः समस्ते देखिए भल खाद्य खाया चाहूँ भल खाद्य मान कौन जो थे अधिक न्यूट्रिएंट थाए जमी क्षीर को आम गोटे उत्कृष्ट खाद्य भाव व्यवहार करूँ माछ मांस अंडा आम गोटे भल खाद्य भाव व्यवहार करूँ कहीं ए प्रोटीन थाए बेसी से हीपरी छतु को मध्य आम गोटे भल खाद्य भाव भाभी था कहीं एथेरे बहुत प्रोटीन थाए आग काल देखिए लोक मैंने छतुटा को भल खाद्य भावुन पनीर की मध्य भल भावुन किंतु वर्तमान लोकंर ज्ञान बढ़ला लोक मैंने बहुत जिनस जान लें से छतु गोटे उत्कृष्ट खाद्य भाव समस्ते जा सारे केमी से गोटे उत्कृष्ट खाद्य कहीं उत्कृष्ट खाद्य आपण मैंने देखिए सबू पनीपरिया सबू माछ मांस पनीपरिया क्षीर सहित कंपेयर करेंगे छतु को ताहले एटा गोटे भल खाद्य कहीं सबुथे जी प्रोटीन कैल्शियम आयरन जिते अच्छी माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छी छतुरे से अच्छी आ गोटे भल जिन एथेरे तंतु बेसी अच्छी तापर शर्करा जोटा आम कार्बोहाइड्रेट कहचु से कम अच्छी जोटा हूँ आम क्षीर माछ मांस यहाँ देखिले एथेरे से भाग अधिक थाए फैट भाग अधिक थाए सब समस्ते या खाई क्या यहाँ मना ना आम तो जानले ए छतुटा कहीं गोटे उत्कृष्ट खाद्य बोली तु चाष करने कौन कौन जलवायु दरकार किपर जगह दरकार आँ कौन सब जिनस दरकार जानवा दरकार साधारणतः छतु चाष किए किए करेंटा दरकार देखु छतु चाषपाई कौन विशेष कौन ज्ञानकौशल दरकार ना अल्प टिके ज्ञान यदि आम पाइबा आम बहुत जिनस रोजगार करा हूँ प्रथम है आपको चाष करने बहुत जमीबाड़ी दरकार ना आम आम घर पछपटे जो अगणा अच्छी से चाष आरंभ कर द्वितीयतः है आम ए कम पैसा छतु चाष आरंभ कर देखिए आम मिनिमम 100 टका जड़े चाषटे आरंभ कर यहाँ है सबुठ गोटे माने जो कहते सस्ता चाष से गोटे ये सही चाष गोटे छतु चाष आम जो करवा कहे कहीं छतु चाषा लाभवान हो पार बोली विषय में आलोचना करवा एमती कौन चाष ना किमी कौन बैंक ना जी हूँ आमको 15 दिन भितर पैसा डबल करके कि छतु चाष गोटे चाष जो थे 15 दिन भितर आम पैसा डबल किठार अधिक पाई केमी ना देखु आम साधारण शागटे बुणिले से गोटे मस लगे
ताकु खाइबा लागि किंतु छतु देखंतु आज जदि बेड पकाइबा ठीक 15 दिन भितरे सेटा आमे बिक्री करिकरि तार मूल्य पाई परिबा एथि पई बहुत कम समय भितरे अधिक टंका रोजगार हे परिबा केवल छतु चास करिकरि ताहाले आमे एमिति बहुत गुडा जिंस देखिले जोटा होची आमे कोइंथुरु लाभ मान छतुरु केमिति लाभवान हे परिबा छतुटा काहेकि करिबा एमिति सब बहुत जिंस देखिले आमे एमिति बहुत जिंस देखला पर जानि पाले जे छतुटा होची सबुठु गोटे भल उपाय पैसा रोजगार करिबार आम राज्य रे प्रथमे एही चरम रोग गोरु को देखा देइतिला किंतु चलित वर्ष आम देश रे 14 टी राज्य रे पूर्ण एही रोग गोरु को देखा देइछि लंपी चर्म रोग साधारणत भूताणु जंत संक्रमक रोग एही भूताणु पक्षी भिरेडे परिवार अंतर्भुक्त एवं काप्रीपक्स नामक भूताणु द्वारा एही रोग सृष्टि होइथे एही रोगर प्रतिकार विषय रे किछि तथ्य जानिबा गाई मानकर लंपी स्किन डिजीज बा जो चर्म बिंडी रोग यह हूँ एक भूताणु जनित रोग यह मोस्टली पक्स भिरीडे फैमिली रो कैप्रीपक्स भूताणु जो होता वर्तमान भारत वर्ष रे एही रोग एक आतंक सृष्टि करिछि प्रथम थर आम राज्य में 2019 मसीहा जून मासरु डिसेंबर मास मध्यरे एही रोग देखा जाइतला किंतु चलित वर्ष एही रोग मोस्टली 14 टी राज्य रे व्यापी अछि एही रोग गाई बलद आपणकर छड़ा बाछुरी एमानंकु होई थाए जदि यार संक्रमण विषय रे आमे कथाबार्ता करिबा मशा माछी टिंक जरिया रे एहा सुस्थ गाय गोरु मानंकु व्यापी थाए किंबा कोनोसी गाय गोरु जदि प्रत्यक्ष रूपे असुस्थ गाय गोरुंकर संस्पर्श रे आसंती एही रोग हबार संभावना थाए परोक्ष भाबरे पीड़ित गाय गोरुंकर घारु बाहर थिबा पूज पाणी लाळ एवं सेमाने व्यवहार करथिबा खाद्य एवं पानीय पात्र संस्पर्श रे आसिले मध्य एही रोग हबार संभावना थाए एही रोग एक नॉन जूनोटिक डिजीज ता अर्थ यह पीड़ित प्राणी मानंक ठरु मनुष्य मानंक मध्यरे व्यापे नहीं तथा एही रोग रे पीड़ित गाय गोरुंकर क्षीर मध्य आपण ग्रहण करि परिबे सेथरे कोनोसी मानवतरे वर्तमान पर्यंत परिवर्तन लक्षित होई नहीं जदि रोगर लक्षण विषय रे आमे कथा हबा तेबे एही रोग रे पीड़ित गाय गोरु मानंकु प्रथमे एक रु दुई दिन जाए ज्वर रही थाए तापरे संपूर्ण शरीर रे छोट छोट बिंदी आकार रो आबू सृष्टि होय थाए जहा कि परे बड़ धरण रो घा सृष्टि करे एवं सेई घा गुड़िक जदि आपण ठीक टाइम रे ट्रीटमेंट न कले ताहा फाटी गले सेथिरे पोक होबार मध्य संभावना रही अछि एहा छडा गाई मानंकर पाटी तथा श्वास नळी रे मध्य क्षत सृष्टि होय थाए जद्वारा गाई मानंकर खाद्य ग्रहण कमी जाय थाए एवं गाई माने दुर्बल होई जांती तथा सेमानंकर दुग्ध उत्पादन मध्य कमी जाए एही रोगरे पीड़ित गाई गोरु मानंकर जो लिम्फ नोड गुड़िक फुली जाए सेथिपाई गाई मानंकु चालिबारे मध्य असुविधा होई थाए जदि कोनोसी गर्भणी गाई एही रोगरे पीड़ित थांती तेबे सेमानंकर गर्भपात हबार मध्य संभावना रही अछि जदियो एही रोगर संक्रमण हार बहुत अधिक जहा कि पाखापाखी 40% रहिछि किंतु एही रोगरे मृत्युवरण मात्र 1-5% रही अछि तेणु आपण मानकर गाई गोरु जदि एही रोग रे संक्रमण हुवंती तेबे सेमानंकु अन्य सुस्थ गाई गोरु को ठारु अलगा करि रखिबे सेमानंकु गोठरे जिबाकु देबे नाही एवं गुहाळ रे प्राणी चिकित्सकंकर संपर्क करि प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइबे जदि आपण एही समय मध्यरे बाहरु गाई गोरु किणिकी आणुछंती तेबे मिनिमम 3 सप्ताह जाए तांकु क्वारंटाइन रखंतु ता अर्थ तांकु अन्य गाई गोरुंक मेळरे जिबाकु दियंतु नाही एही रोगर ट्रीटमेंट विषयरे आमे कथा हेचबा जदि आपणकर गाई गोरु एही रोगरे पीड़ित अछंती एवं तांकु ज्वर रहुछि तेबे आपण आंटीपायरेटिक इंजेक्शन देई परिबे एवं अन्य जीवाणु जनित रोगरु रक्षा करिबा पई तांकु आपण आंटीबायोटिक्स देई परिबे जेहेतु घा गुडी को होई फाटी जाए तेणु से घा गुड़िक आपण माछी निरोधक मलम लगाई ताकु भल भाव ड्रेसिंग करी रखिबे गाई मानंकर पाटी रे हेउथुबा क्षत जोगु सेमाने खाई पारंती नाही सेथिपई सेमानंकु खाइबा सोडा एवं उसुम पानी रे भल भाव से क्षत गुड़िक सफा कर देबे एवं सेही जगह रे बोरोग्लिसरीन लेपन करिबे गाई मानंकु नरम एवं सबुज घास तथा तरल खाद्य देबे एही रोगर प्रतिरोधक टीका मध्य रही अछि जेहेतु एही भूताणु आमर
छेली बसंत भूताणु सहित सामंजस्य रखिछि, तेणु एहि रोगर निराकरण पई 4 मास एवं तदुर्ध गायगोरु मानंकर चर्म तळे आपण छेली बसंत टीका को देई परबे। किंतु जो गायगोरु माने एहि रोगरे संक्रमित होइछंती सेमानंकु टीका देबा निषेध अटे। एहि रोग परिप्रेक्षीरे आमर प्राणी संपद विकास विभाग बहुत पदक्षेप नेइछि, ता सहित गोपाळक माने मध्य सजग रहिबा दरकार, जेपरिकी राज्यर सीमांत अंचलर 5 किलोमीटर बॉर्डर भितरे जेऊ गाँ किंबा जिला आसुअछि सेही राज्यरे आपण भल भाबरे टिके चेकिंग करंतु। राज्य राज्य तथा जिला जिला भितरे गो परिवहन को निषेध रखिबा उचित। वर्तमान जो गोरु हाटरे गाई गोरुंकर बिक्री करा जाउछि से जिनस को बंद रखिबा दरकार। गो सम्मेलनी किंबा गो प्रदर्शनी एबे आयोजन करा न जिबा उचित। एहा छडा आपण गाई गुहाळ को भल भाबरे परिष्कार परिच्छन्न रखंतु, जेउथिरे 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड एवं 1% फॉर्मल डिहाइड यूज करी आपण गुहाळ को भल भाबरे परिष्कार रखंतु। ता छडा गुहाळ चट्टाण को फिनाइल किंबा लाइजोल द्वारा भल भाबरे सफा कर दियंतु। जदि एही परिप्रेक्षीरे एही रोगरे संक्रमण होई कौनसी गायगोरुंकर मृत्यु घटुछि तेबे सेमानंकु एणे तेणे न फोपाड़ी गोटे गभीर गर्त खोली जहाँ 6 फुट कु 6 फुट होइथिब सेथिरे चून एवं लवण दे ताकु पोती दियंतु। जदि एही रोग आपणंक अंचलरे देखा जाउछि तेबे निकटस्थ प्राणी चिकित्सा केन्द्ररे जाई जोगाजोग करंतु। 2 रु 3 सप्ताह उत्तम जत्न नेले एही रोग भल होइजिबो, तेणु अजथारे आतंकित न होई एही रोग को भल पदक्षेप नहीं गाई गोरु मानंकर सुरक्षा करंतु। आज अन्नदाता आपणंक सेवा सोपान रे खा प्रश्नर उत्तर रहिछि, आसंतु जानिबा। आज अन्नदाता कार्यक्रम निशुल्क फोन सेवा माध्यम रे संबलपुर जिल्लार मोहलपाली ग्रामर चाषी नरेन्द्र कुमार जेना से धान फसल रे पत्र मोड़ा बा नळी पोकर परिचालना विषय रे किछि तथ्य जानिबा को चाहुचंती, आसंतु जानिबा हमर ए प्रस्तुति को। बर्तमान सारा राज्य में धान चाष बर्तमान बहुत एरिया एवं बर्तमान धान जो अवस्था बर्तमान किसी एरिया पिलो अवस्था धान अच्छी किसी थोड़ अवस्था अच्छी, तो यही परिप्रेक्षी आम देखु धान फसल गोटे पत्र खिया पोक जोटा कि आम कहे लिप फोल्डर मैंने आप पत्र मुड़ा पोक प्रादुर्भाव देखाई ये जो पोकटी साधारण जे आप पत्र को भितर बांधिक दीटा को मार्जिन टाक बांधिक रहीकि पत्र ग्रीन पार्ट टाक कोरी खाई जाए जहाद्वारा कि लंबा लंबा धड़ाधड़ा दाग एवं जाल भाया पत्र हो जाए जहाद्वारा कि चाषी अमल में बहुत क्षतिकारक होता है। कह ये जो पोकर आप लक्षण देखते आम जो ये पोक बेसिकाली कौन कैर ना फ्लाग लिफ्ट आउ डैमेज कर दिए, जो फ्लाग लिफ्ट डैमेज कैर कौन हुए फ्लाग लिफ्ट डैमेज कैर ता सहित जो ताखापाखि जो यंग लिप्स बाहर जो आप गणिया पत्र बाहर ताकू भी नष्ट कर देते जहाँ फल कौन हुए ना तार प्रभाव सीधा अमल उपर पड़ी था। तेणु चाषी मानक अनुरोध जो आप ठीक समय ठीक पद्धति आप तार नियंत्रण व्यवस्था अवलम्बन करेंगे निश्चित रूप यार सब फल पाइपर जोटा कि आम कहे पोकर केत आगमन थाए बेसिकाली आम कहे चाषी मान सार पकड़ व्यवस्था ठीक ना से मन इच्छा आपंकर हाई हेवी डोज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दिखते जहाँफल ये पोकर वंशवृद्धि कारण होता है। द्वितीय कथा हाई ह्यूमिडिटी आम कहे हाई ह्यूमिडिटी एरिया भी आप जो एरिया अधिक ह्यूमिडिटी रोचे से एरिया भी पत्रमुड़ा पोकर प्रादुर्भाव देखा जाए एवं प्राय जोटा कि छाई एरिया आम कहे सेडी एरिया जो चाषी मैंने कौन करते बेले बेले डेन्स प्लांटिंग करती मैंने आप मैंने गहलिया रुआ पोता करती जहाँद्वारा कि आप जमीन में इंटरकल्चर सुविधा होना था यही पोकर वंशवृद्धि सुविधा होता है। तृतीय कथा मुझे कहबी से जो एरिया आप देखते पूरा गोटे गोटे जिला देखिए आप लक्ष हेक्टर धान चाष होता है आप इरीगेशन सिस्टम थी से एरिया ये पोकर प्रादुर्भाव भी प्राय देखा जाए। बेसिकाली आम देखु धानर भेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज मैंने आप धान पिल बाहर ठूँ धरिकी फुल उड़ा पर्यटन फ्लावरिंग स्टेज जाए यही पोकर प्रादुर्भाव देखा जाए। तेणु चाषी मानक आम परामर्श करूँ क्रॉपिंग सिस्टम धान पर बिल पड़िया रखुद जदि पार्टी धान आप अमल कर सारापर भी धान कि हल कर पा मड़ दिंतु जहाँ कहीं यार जब पीपा किसी जमीन में पड़ी थाए तो सेगुड़ा नष्ट हो जाए। तेनाली केस आम कहे आप मल्टीपल बारंबार धान चाष करें कारण ये पोकर पादुआ देखते आप खरीफ्रे देखाला जदि आप रवि फसल चक्र न बदल पुणी आपर खरा दिन ये पोकर पादुआ देखा जाए। तेणु आम यहाँ गोटे गोटे चाषी मानक परामर्श जो आप चाष कर तो आपंकर यही भाया मानने
ଫସଲ ଚକ୍ର ବଦଳେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ପୋକ ପାଇଁ ଆପଣ ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଧାନ ପିଲ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏ ପୋକ ପାଇଁ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିସର୍ଜେନ୍ସ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆମ ହପର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଏପଟ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ କାହିଁକି ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଯେ ଆପଣ ଧାଡ଼ିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଧାନକୁ, ଆଉ ଆପଣ ଧାନ ଜମିର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏରିଆଟାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତରା ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହଷ୍ଟ ତାକୁ ମିଳିଯାଇପାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାରଟାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଠିକ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଡୋଜ୍ରେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡୋଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ପୋକର ମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଆପଣ ୟାର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ କଥା, ସେ ସର୍ବଶେଷ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଫ୍ଲଡ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଆପଣ ଆଟୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଡେନ୍ସିଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ, ଗହଳିଆ ରୋଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଛାଇ ଏରିଆରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା, ଧାନକୁ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଠିକ୍ ସ୍ପେସିଫିକରେ ଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଯେ ପୋକର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ବଜାରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନୂତନ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ନୂତନ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହନ୍ତି ଫ୍ଲୁଭେଣ୍ଡିଆମାଇଡ୍, ଇଣ୍ଡୋସାକାର, ଆପଣଙ୍କର କାଟାଭାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲାମ୍ବଡ଼ା ସାଇଲୋଥିନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଅନୁମତ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:00-5:00 ଆଉ ନମ୍ବର ହେଲା 1800-88-92163। ସମୟ ଇସାର ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।